राम राम जी यार, क्या मजा आ रही है। आप भी देखिए वैसी वक्त कट रहा है। आज बताता हूँ इस हफ्ते क्या हुआ था। आज ना पता है मुझे हॉस्पिटल लेके गए थे एम्बुलेंस में। अब मैं तो इसी रास्ते से आता हूँ, इसी रास्ते से जाता हूँ, मस्त। ना कोई सवारी, ना कोई साइकिल, पैदल आना, पैदल ही जाना। और यहाँ पर जो पैदल चलने वाला रास्ता है ना, वो ना नैरो सा रास्ता है, बहुत पतला रास्ता है, तो उसमें तो पैदल चलने वाला जाएगा। अगर साइकिल वाला जा रहा है इधर रोड पे साइड पे जाएगा तो खतरा हो सकता है, क्योंकि गाड़ियाँ चलती हैं, तो वो भी उसी में चल के चला जाता, कोई दिक्कत होती नहीं है। मैं जब 2 दिन पहले जा रहा था ना सुबह सुबह, तो पीछे से एक आंटी आई थी, मतलब 60-65 साल की उम्र होगी उनकी, उन्होंने पीछे से साइकिल। अब ये जो रास्ता है ना, ये वाला तो इस पर ढलान सी है, तो आंटी यहाँ से पीछे से आई और उन पर ब्रेक तो लगी नहीं, और भटाक पीछे से आकर ठोक दी यहाँ। तो ढलान वैसे इतनी स्टीप भी नहीं है कि कतई रॉकेट ही बन के आओ, पर फिर भी ढलान सी तो है। तो टक्कर बहुत ही ज़्यादा धीरे से हुई थी, तो ऐसी कुछ दिक्कत थी नहीं। तो मैंने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो वो 60-65 के आसपास कोई आंटी थी, मतलब बुजुर्ग आंटी थी, तो एकदम से उनकी साइकिल एक गिरी नहीं थी, मतलब ऐसे नहीं, वो धीरे 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 करके गिर गए। तो मैंने देखा, अरे आंटी गिर गई, मैंने उठा दिया। क्या, अरे आपको लगी तो नहीं, ठीक है ठीक हो? कह रही हाँ मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना ना, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ था नहीं, तो आंटी उठ के चली गई अपना मस्त, और मैं भी अपना निकल लिया। फिर मैं ऑफिस आ गया। ऑफिस में जैसे वो सुबह सुबह हमारे कोई मंत्र पंतर से रहते हैं कि प्लेज व्लेज लेते हैं ना, तो मैं वो सारे हम खड़े होकर कर रहे थे, तो पीछे मेरा सीनियर जो खड़ा था उसने देखा मुझे, कह रहा पीछे से पैंट गंदी है तुम्हारी। मैंने कहा अरे पैंट गंदी है? तो वो आंटी का टायर वायर लग गया होगा साइकिल का। मैंने उसे बहुत ही वैसे नॉर्मल से बताया कि हाँ, जब मैं सुबह आ रहा था ना वॉक करते करते, तो पीछे से एक आंटी ने साइकिल ठोकती थी, तो उसकी शायद मिट्टी विट्टी लगी पड़ी है। कह रहा है साइकिल ठोकती थी? कह रहा तो पैर में चोट लगी तुम्हारे? मैंने कहा नहीं नहीं, चोट वोट ऐसी कुछ नहीं लगी। कह रहा आंटी को चोट लगी? मैंने कहा ना, उनको भी ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि यार कितना अच्छा आदमी, इसको कितनी चिंता हो रही है मेरी। तो मेरे को ना उसने अपने वहाँ बैठा दिया, व्हाइट बोर्ड सा है, उस पर लग गया। कह रहा कितने बजे हुआ था? मैंने कहा अभी 10 मिनट पहले लगा लो सर। तो पहले मुझे लग रहा था कितना अच्छा आदमी है यार, मेरी कितनी चिंता कर रहा है। फिर उसने ना एकदम झट से HR को फोन कर दिया कि ऐसे पवन का ना एक्सीडेंट हो गया, जिस रूट से वो आता है ना, वो रूट मैप होगा तुम्हारे पास, वो रूट मैप मेरे को मेल कर दो। तो मैंने कहा अरे इसके अंदर कैसे एकदम भूमकेश बख्शी की आत्मा सी आ गई। कह रहा जिस रूट से तुम आते हो ना, वो तुम्हारा कम्यूट टू वर्क रूट है। अगर उस रस्ते पे उस टाइम के दौरान तुम्हें कुछ भी होता है, फिजिकली तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हो, तो सारी की सारी जिम्मेवारी कंपनी की होती है। जैसे कोई तुम्हारी बीमारी होती है, इलाज होता है, तो उसमें पर्सनल हेल्थ जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, फिर 70% गवर्नमेंट से करवा रखा है तो गवर्नमेंट देती है, प्राइवेट अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो प्राइवेट वाले देते हैं, बाकी 30% तुम्हें खुद देना होता है। तो ये तो यहाँ पर जापान में रूल है, सबके साथ ऐसा ही होता है। पर वो कह रहा नहीं, उसमें वो नहीं चलता, ये सिर्फ ये कंपनी का रूल है, लेबर लॉ है। अगर तुम्हें कंपनी में आते वक्त कोई चोट चाट लग जाती है किसी तरह से, तो सारा का सारा खर्चा, सारी जिम्मेवारी कंपनी की होती है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा होता होगा, पर बनकर ऐसे मेरे को चोट वोट कुछ ऐसी लग नहीं रही है। कह रहा नहीं ऐसा नहीं होता, ये कंपनी का रूल है, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। अभी तुम कह रहे कि चोट नहीं लगी, और फिर कल सुबह तुम उठो तुम्हें दर्द होने लग गया थोड़ा सा, फिर तुम बोलोगे कि अरे मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ा डॉक्टर को दिखाने जाना, तो छुट्टी दे दो, तो फिर ऐसा तुम तो छुट्टी मार लोगे, फिर काम कौन करेगा? तो मैंने किया, ये तो जिम में पड़ गया अलग से। फिर HR ने वो गूगल मैप सब भेज दिया उसको, तो गूगल मैप पे वो जब कंपनी ज्वाइन करी थी ना, हर जगह ही होता है वो पूरा रूट, जैसे तुम्हारा घर है जहाँ से तुम आओगे और जहाँ पर ऑफिस है, वहाँ से ट्रेन से आओगे या फिर बस से आओगे, साइकिल से आते हो, पूरा रोड मैप सा बनाते हैं वो। तो मेरा उस टाइम पे बनाया हुआ था, तो मैं तो पैदल आता हूं, तो उसने ऐसे कह रहा कि इसमें से कौन से रास्ते में चोट लगी थी? मैंने कहा चोट नहीं लगी सर। कह रहा कौन से रास्ते पे हुआ था एक्सीडेंट? तो मैंने कहा वो इस जगह पे हुआ था। कह रहा अच्छा, तो उसने HR को बोला कि ऐसे ऐसे पवन का एक्सीडेंट हो गया, उसका चोट वोट तो कुछ लगी नहीं है, तुम एक बार पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। तो पुलिस का नाम सुनते भैया हालत ही टाइट हो जाती है। मैंने कहा सर पुलिस पुलिस क्यों? कह रहे इनकेस अगर सामने वाली पार्टी को अभी चोट नहीं लगी, पर वो बाद में घर जाके उन्हें कुछ फील होने लग गया, क्योंकि उम्र भी ज़्यादा है, और उसके बाद फिर वो पुलिस पर चली गई कि भैया ऐसे ऐसे उसने मेरे को मार दिया था, या ऐसे ऐसे उसके साथ टक्कर हो गई थी, तुम उस आंटी को बेशक से आइडेंटिफाई ना कर पाओ, पर वो भाई तुम यहाँ पर फॉरनर हो, तुम अलग ही चमक जाते हो और तुम्हारी शक्ल याद रहती है, तो तू आंटी तुम्हें आइडेंटिफाई जरूर कर लेगी। फिर उसके बाद पुलिस बोलेगी कि तुमने पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म करा था, क्योंकि ऐसे केसेस में होता है जो पहले इन्फॉर्म करता है वो सच्चा माना जाता है, तो उनकी ड्यूटी बनती है कि पुलिस को इन्फॉर्म करना। अब HR वाली ने पुलिस को बोल दी कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट का नाम सुन के कि चोट लगी है नहीं लगी है, तो वो तो चेकअप कराना पड़ेगा। पुलिस
साथ एम्बुलेंस भी आ गई, तो टाए 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 सायरन से बजने लग गया, मेरी लुप लुप हो रही अंदर से, बल्कि यार तो सायरन वायरन बज रहे हैं तो मेरे लिए बज रहे हैं। और भैया जब पुलिस के और एम्बुलेंस के सायरन बजते ना, तो तुमने कुछ करा भी ना हो ना, तब भी अंदर से फटती सी तो है। जैसे इस केस में था, मेरा काम था अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना, मैंने अपना काम कर दिया था, जब पुलिस आई तो मेरे बॉस भी आ गया, फिर उसने बोला कि तो प्रोसीजर होता, फॉलो करना पड़ता, नहीं तो फिर बाद में कंपनी की जिम्मेवारी आती है अगर इनकेस कोई बात हो जाए आगे जाके। उन्होंने देखा वेगा ठीक है, उसके बाद फिर मेरे को एम्बुलेंस उठा के रहेगी, इसको चेकअप कराने लेके जाना पड़ेगा कि इसके पैर में फ्रैक्चर है कि नहीं है। पुलिस बात कर रही है, एम्बुलेंस वाले बात कर रहे हैं, तो मैं क्या ही बोलूं, बीच में मैं तो चुप लगा के बैठा था एकदम। मैंने कहा बैठ जाऊंगा एम्बुलेंस में, मैं बैठ के चुपचाप, मैंने कहा मैं सोच रहा था कैमरा निकाल के इंस्टा रील वील बना दूं, पर फिर मुझे लगा कि यार ये 3 सरकारी गाड़ियां, 5-6 सरकारी लोग सारा काम कर रहे हैं सिर्फ मेरे एक अकेले के लिए, इधर तो मेरे को एक करते हुए देख रहे, तो मेरे को बना देंगे संजय लीला बंसाली एकदम से ही। डॉक्टर ने मेरा एक्सरे कर दिया और ऐसे चेक वेक करने लग गए कि जैसे कुछ ज्यादा खास लग तो रहा नहीं। मैंने कहा हाँ सर ऐसी कोई दिक्कत दर्द वर्द है भी नहीं। उसने पैर मुड़वा उड़वा के देखा और वो टक मारते ना घुटने पे थोड़ा सा छोटा सा, वो मार के कह रहे चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पर उसने फिर भी मसल रिलैक्सर की कोई दवाई ववाई होती है वो दे दी। मैंने कहा ठीक है भैया लेके चले जाएंगे हम। तो ये सब कर करा के फिर वापस जब आया ना ऑफिस में, तो मेरे बॉस ने मेरे को सुनाई कि यार ऐसे नहीं होता कि जब भी ऐसे कोई काम होता है तो तुम्हें कॉन्टैक्ट लेना होता है उसका, जिस इंसान के साथ तुम्हारे साथ घटना हुई है उसका कांटेक्ट लो और अपना कांटेक्ट उसको दो, क्योंकि बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई केस होता है तो तुम उससे कांटेक्ट कर सको बाद में, नहीं तो आगे कम्युनिकेशन नहीं होता। अगला बंदा कुछ भी कर सकता है कि भाई इसने जबरदस्ती कोहनी मार के मेरे को गिरा दिया, या फिर ये मेरे साइकिल के आगे आ गया था एकदम से, ऐसे पैसे वैसे ऐंठने के चक्कर में यहाँ पर कई केस ऑलरेडी हुए हैं। मैंने भी सुना था ऐसे काफी टाइम पहले ना, एक कोरियन लड़का था स्टूडेंट था यहाँ पर, उसकी ऐसे किसी बुढ़िया आंटी से टक्कर हो गई थी साइकिल की, तो उस बुढ़िया आंटी ने केस कर दिया था उसके ऊपर कि भैया मेरे चोट लग गई, मेरे दिल में दर्द बैठ गया और मेरे वहम बैठ गया, मैं रोड पे नहीं जा सकती, ऐसे कुछ मेंटल ट्रॉमा टाइप दिखा के। उस लड़के की स्कूल की फीस थी 8 लाख रुपए, पर उसको जो केस के चक्कर में पैसे भरने पड़ गए थे 16-17 लाख रुपए पड़ने पड़ गए थे। तो ऐसा मैंने सुना था, फिर मैं एकदम से ध्यान आया रिकॉल उनकी, अरे हाँ ऐसा हो तो जाता है यार। मैंने कहा यार ये तो सही चीज पता चल गई और भगवान की दया से भैया बच गया, कोई कलेश हुआ नहीं, सारा मामला आराम से सॉर्ट आउट हो गया, आराम से भैया बैठ गया ऑफिस में, काम वाम कर रहे हैं, बैक टू वर्क चालू। उसके बाद 2-3 है मेरे ऑफिस में यूट्यूब का मेरे पता चल चुका है, कुछ लोग होंगे यार जिनको हिंदी भी आती होगी, जैपनीज भी आती होगी, तो उन्होंने कुछ ना कुछ मेरे ऑफिस में बोल के मेरे खिलाफ भड़काया है। बहुत सारे लोग तो भैया भगवान की दया से समझदार लोग हैं, वो तो कहते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ही करे, हमें क्या मतलब, हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। पर कुछ लोग हैं जो मजे लेते हैं, वो टोक अटाकी करते हैं। पहले तो एक दो लोग मेरे को टोक देते हैं ऐसे काम वाम से रिलेटेड कुछ भी, कि हाँ काम में कहाँ मन लगेगा, तुम तो यूट्यूब ही बनाओ ऐसे करके, मतलब ऐसे करके मेरे को ताने वाने मारते थे। पर आजकल तो हर कुत्ता बिल्ली बोलने लग गया है यार, इस पे काम कहाँ होगा, इस पे तो वीडियो बनवा लो, इस पे काम कहाँ होगा, इस पे तो वीडियो बनवा लो। अब यार ऑफिस पे काम तो होता ही है और आजकल तो ओवर टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है रेगुलर बेसिस पे, तब वो सारा काम भी करो, उसके बाद सारा अपना टाइम भी लगाओ। अब पब्लिक यार जिसको ऑफिस के अलावा कोई और काम नहीं करना, तो उसके लिए तो ऐसे कोई दिक्कत होगी नहीं, घर जाओ अपना खाना वाना खाओ सो जाओ, फिर सुबह से ऑफिस आ जाओ। अब जैसे जो ऑफिस के अलावा कोई और अपना काम करना चाहता, कोई जिम जाना चाहता, कोई अपनी हॉबी फॉलो करना चाहता किसी तरह से, तो वहां पर टाइम की कमी आ जाती है। तो इसलिए हर कोई चाहता है यार ऑफिस अपना टाइम से निकल जाओ तो बाकी सारी चीजें हो पाएंगी, पर नहीं, वो तो फिर उसमें निकलने लगे तो फिर बोलते कि हाँ बस ऑफिस में मन तो है नहीं अपना, जाओ अय्याशी करो। तो इस चक्कर में यार मैं 7-8 दिन से ना वीडियो भी नहीं बना रहा था। मैंने कि यार वीडियो बनाऊंगा चाहे किसी भी टॉपिक बना दूं, सारा कोई ना कोई उंगली करेगा और उसके बाद मुझे ही ताने सुनने को मिलेंगे, और वैसे इतना स्ट्रेस होता है काम में, तो मैं बोलता है कि जितना हो सके थोड़ा कम ही हो जाए स्ट्रेस। पर फिर मैंने सोचा यार कि देखो दुनिया तो उंगली करेगी करेगी, हम क्यों अपना काम रोके। तो मैंने सोची हाँ डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, फेक स्टोरी है, स्टैंड अप कॉमेडी बहुत ही बेकार, हाँ ये बोल दू सपना है, असली में ऐसा कुछ था ही नहीं, फिर कोई क्या उखाड़ लेगा मेरा। मैंने तो मन पक्का कर लिया कि अब तो वीडियो बनाते रहेंगे, देखी जाएगी जो भी होगा। यार यार शुरू में तो इतनी ज्यादा दिक्कत होती नहीं है, पर फिर बाद में ना वैसी सी फील आती है, वो नहीं था गर्म पानी का मेंढक जिसको उबाल दो और उबलते उबलते मर जाता है, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है। तो ऐसी जब ताने और ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती है ना धीरे धीरे तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब इतनी ज्यादा हो जाती है फिर समझ नहीं आता कि क्या करो, दिमाग में स्ट्रेस तो भाई बैठ जाता है। कुछ लोग तो धरती पे हर जगह ऐसे होते ही होते हैं ना कि जिनका गॉसिप में मन लगता है, अपने काम के अलावा उनका हर चीज में मन लगता है, तो वैसे यहाँ पर भी है। एनीवेज यार जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना, भगवान कसम उन पे बहुत ज्यादा फख्र है, और कलेजे से थैंक यू भाई। और जिन्होंने नहीं कर रखा है ना, आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत नहीं आ रही है। अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम राम।